कैसी लगी आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी? अच्छी लगी होगी। सैमसंग ने इस T5410 के साथ बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड की है। इस बजट कैटेगरी में तो बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी सैमसंग ने इसके साथ प्रोवाइड की है। पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छी लगी। बट रुकिए, आपको एक अच्छा टीवी खरीदने के लिए उसकी सिर्फ पिक्चर क्वालिटी ही देखना जरूरी नहीं है, आपको उसके बाकी सभी फीचर्स जान लेने जरूरी है। इसके साथ आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मौर्या इलेक्ट्रॉनिक्स। सो चलिए इस वीडियो में हम सैमसंग के इस T5410 इस मॉडल का रिव्यू करेंगे, इसकी पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी एंड सैमसंग ने इसके साथ आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और सबसे पहले लाइक करना मत भूलिए, अभी इसे लाइक कीजिए। या आप देख लीजिए इसके बॉक्स पर दोनों साइड भी सेम प्रिंटिंग दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको सैमसंग का ब्रांडिंग दिखाई दे रहा है और राइट हैंड पे आपको फुल HD टीवी ये प्रिंटेड दिखाई दे रहा होगा। ये एक स्मार्ट LED टीवी है। यहाँ पर आप इसके कुछ डिटेल्स देख लीजिए। यहाँ पर आपको इसका मॉडल नेम दिया हुआ है UA43T5410AK XXL। यहाँ पर आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दिखाई दे रहे होगे August 2022। MRP यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होगी 35,900 rupees। बट एक्चुअल प्राइस क्या है ये भी हम इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। सो चलिए करते हैं इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग। सो इसे कर लिए है हमने टेबल पर सेट। अगर आपको इसे वॉल माउंट करना है तो इसके लिए आपको अलग सा वॉल माउंट ब्रैकेट परचेस करना पड़ेगा, देन आप इसे वॉल पर सेट कर सकते हैं। अभी तो इसके साथ आपको दो टेबल स्टैंड प्रोवाइड किए जाते हैं बॉक्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसे टेबल स्टैंड पर अटैच किया है। यहाँ पर आपको बॉक्स कंटेंट में इसके साथ ये पावर कनेक्शन केबल, ये रिमोट कंट्रोल, मैनुअल, ये पोर्टेबल AV केबल दिखाई दे रहे होगी। चलिए अब हम इसकी बैक बॉडी और कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पर आप इसकी बैक बॉडी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए है। इसकी बॉडी जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, इसमें ABS प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर आप इसके कनेक्टिविटी फीचर्स देख सकते हैं। इसके साथ आपको वन साइड ही कनेक्टिविटी फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ आपको 1 USB पोर्ट्स देखने को मिलेगा, 2 HDMI पोर्ट्स, LAN कनेक्शन के लिए भी पॉइंट दिया हुआ है, एंटीना केबल कनेक्ट करने के लिए भी पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको इसे AV केबल से कनेक्ट करना है तो ये आपको कनेक्टर प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अपोजिट साइड आपको ये पावर कनेक्शन केबल अटैच करने के लिए ये पॉइंट दिया हुआ है। इसका साउंड आउटपुट है डाउनवर्ड साइड, इसके साथ दो साउंड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इधर उधर की बातें तो कर ली है, इसे हमने फाइनली सेट भी कर लिया है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीन देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन एंड इसके इंफॉर्मेशन की। सो प्रोडक्ट टाइप इसका LED 5 सीरीज में आता है। ये LED टीवी Full HD सपोर्ट में आता है, मतलब इसकी रिजोल्यूशन जो है वो 1920x1080 पिक्सल से। इसमें आपको हाइपर रियल पिक्चर इंजिन देखने को मिलेगा। इसकी पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स है 1000। इसमें आपको HDR सपोर्ट मिलता है। मेगा कॉन्ट्रास्ट आपको इसके कलर में देखने को मिलेगा। इसका साउंड आउटपुट जो है वो 20 watts है। इसकी साउंड टेक्नोलॉजी आपको Dolby Digital Plus देखने को मिलेगी। इसमें आपको बहुत सारे ऐप प्री डाउनलोडेड ही देखने को मिलेगी। अगर कुछ ऐप डाउनलोड नहीं है तो सैमसंग स्टोर प्रोवाइड किया है, आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। अब हम इसका मोशन ब्लर और बाकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसकी ब्लैकनेस टेस्ट भी कर लेते हैं। आप इसकी पिक्चर क्वालिटी भी देख लीजिए। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। एक स्मार्ट LED टीवी है, मतलब आप इसे मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं या वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस बजट कैटेगरी में तो बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड है। मैंने आपको बताया है इसे मोबाइल से कनेक्ट किया जाता है, बट उसे कैसे कनेक्ट करते हैं उसका सेटिंग भी जान लेते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली इसके सोर्स बटन में जाना है। सोर्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्शन गाइड में जाना है। कनेक्शन गाइड में जाने के बाद यहाँ पर आपको स्मार्टफोन यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा। देन यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर ये ऑप्शन ओपन करना है।
देन यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे तो इस टीवी का मॉडल नेम आपके मोबाइल पर शो होगा। तो चलिए मैं आपको मेरे मोबाइल से इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मेरे मोबाइल में स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन है। अगर आपके पास दूसरी कंपनी का मोबाइल होगा तो स्क्रीन शेयर, स्क्रीन मिररिंग ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में ये टीवी सैमसंग 5 सीरीज A सर्च हुआ है। इसे मैं ओके करता हूँ देन ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। सो इसी तरह से सेटिंग है इसे मोबाइल से कनेक्ट करने का। सो ये देखिए इसे मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है। अगर आप मोबाइल पर जो कुछ एप्लीकेशन ओपन करेंगे वो आप टीवी में देख पाएंगे। सैमसंग ने एक और अच्छा फीचर इसमें प्रोवाइड किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपके पास सेटअप बॉक्स नहीं है यहाँ पर आप इसे डायरेक्टली सैमसंग टीवी प्लस ये ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसे अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से या वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो इसकी सैमसंग टीवी प्लस से ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। मतलब यहाँ पर देख सकते, ये फर्स्ट ऑप्शन ही है। यहाँ पर आप बहुत सारे चैनल चेंज करके देख सकते हैं, बहुत सारी चैनल लिस्ट है। मतलब सैमसंग ने इसके साथ फ्री में आपको डीडी फ्री डिश प्रोवाइड की है। आप इसकी रेगुलर चैनल पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं। मैंने अभी आज तक ये हिंदी न्यूज़ का चैनल प्ले किया है, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन तो हमने जान ही ली है, अब हम इसकी पिक्चर क्वालिटी चेक कर लेते हैं। सो चलिए जल्दी से अब हम इसकी पिक्चर क्वालिटी चेक कर लेते हैं। आप इसकी ब्लैकनेस भी देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त कलर कॉन्ट्रास्ट है इसमें। कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग प्ले करके देखते हैं, बट ड्यू टू द कॉपीराइट रीजन इन सॉन्ग को मैं ज़्यादा देर तक नहीं चला सकता, इसलिए मैं आपको इन्हें शॉर्ट शॉर्ट में दिखा रहा हूँ जस्ट आपको पिक्चर क्वालिटी समझाने के लिए। तो अब बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। चलिए जल्दी से अब हम इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं। देन मैं आपको बताऊंगा ये टीवी किन्हें खरीदनी चाहिए और किन्हें नहीं।
इसकी पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी। इसके लिए 1 ईयर की कॉम्प्रेसिव वारंटी आती है। इसके एक्चुअल प्राइस क्या है, तो इसके एक्चुअल प्राइस है अप्रोक्सीमेटली इस समय 30,000 से 31,000 में, 30 या 31,000 के बीच में, मतलब 30 से 31,000 के बीच में आप इसे इस समय परचेस कर पाएंगे। ऑब्वियसली एक अच्छी टीवी खरीदते हैं आप तो अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए, अच्छी ड्यूरेबिलिटी के लिए। उसकी पिक्चर क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी मतलब एक बार आप परचेस करेंगे तो उसमें कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। बट अब बात करते हैं ये टीवी आपको क्यों खरीदना चाहिए। ये टीवी आपको इसलिए खरीदना चाहिए कि इस बजट कैटेगरी में सैमसंग का ये बेस्ट रियलिटी टीवी है। आप अदर कोई भी लोकल ब्रांड का टीवी खरीदेंगे तो आपको वो 20 या 25 हज़ार के बीच में वो मिल जाएगा, बट सैमसंग की जितनी उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है, इस एलईडी टीवी का लाइफ टाइम जो है वो बिल्कुल ही लॉन्ग है। हमने बहुत सारी एलईडी टीवी सेल आउट की है, वारंटी रिलेटेड कोई भी इशू हमें बहुत ज़्यादा फेस ही नहीं होते हैं। सैमसंग अदर ब्रांड में ऐसे इशू आते रहते हैं, बट आप वारंटी के लिए टीवी खरीदेंगे, अच्छी ड्यूरेबिलिटी के लिए टीवी खरीदेंगे तो ये एक बेस्ट एलईडी टीवी है। दूसरी बात ये है कि सैमसंग में इस टाइम 32 इंच में सेम एलईडी टीवी इसी मॉडल का परचेस करेंगे तो उसकी अभी की प्राइस है 21,000 रुपीज, मतलब इसमें और उसमें सिर्फ 9 या 10 हज़ार का फर्क है। सेम फीचर्स इसमें भी प्रोवाइड किए, अगर आप 32 इंच में 21,000 वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको अप्रोक्सीमेटली 30,000 में ये अच्छी टीवी मिल जाएगी, आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। ये टीवी किन्हें खरीदना नहीं चाहिए, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का टीवी 43 इंच में खरीदना चाहते हैं आप डेफिनेटली सैमसंग या अदर ब्रांड का कोई भी 4K एलईडी टीवी परचेस कीजिए। डेफिनेटली आपको उसमें ऑसम पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। इसमें आपको HDR का सपोर्ट मिलता है पिक्चर क्वालिटी के लिए, बट 4K एलईडी टीवी में आपको HDR, HDR 10 प्लस एंड HGL का सपोर्ट मिलता है, जिसमें आपको कलर बहुत ही नेचुरल लगते, बहुत ऑसम पिक्चर क्वालिटी 4K में प्रोवाइड किए जाते हैं। आप डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी के लिए टीवी परचेस करना चाहते हैं तो आप 4K एलईडी टीवी परचेस कीजिए। उसके भी वीडियो आपको चैनल पर जरूर मिल जाएंगे, मैंने 4K एलईडी टीवी के भी वीडियो बनाए हैं। सैमसंग में आने वाला 43 इंच उसका भी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दूंगा। आपको बाकी कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली यूट्यूब पर जाइए, मौर्या इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल सर्च कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, टीवी रिलेटेड हो या बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।